महाराजगंज में थाने के सामने पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। ये सघन अभियान नगर पंचायत के कार्यपालक अरविंद कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन और थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने संयुक्त अभियान चलाकर वाहन की चेकिंग के साथ मास्क की चेकिंग भी की। अभियान कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए चल रहा है। वहीं देश में 1 लाख से अधिक कोरोना के मरीज मिलने से गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। प्रतिदिन 2000 से अधिक का चालान काटा जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, साथ में चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है। वहीं अगली बार नहीं मानने पर वाहन जब्त किया जाएगा। शहर के थाना चौक, राजेंद्र चौक सहित सभी चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो आज थाना के सामने जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि संक्रमण बढ़ता जा रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं कि आज ही एक ही दिन में 1,55,000 लगभग में केस बढ़ा है पूरे भारत में। तो इस तरह से हम लोगों का गृह मंत्रालय बिहार के तरफ से भी गाइडलाइन है, DM सर का भी आदेश है कि मास्क का चेकिंग एकदम स्ट्रिक्टली किया जाए और जो नहीं लगाए उन पर फाइन हम लोग कर रहे हैं। सर वहीं सर जो सब्जी मंडी में देखा जा रहा है कि बिना सब्जी बेच रहे हैं, वो भी बिना मास्क के हैं और लोग भी आ रहे हैं। कार्रवाई हो रही है और जा रहे हैं फिर से देखने, वहाँ जो नहीं किया होगा, नियम का पालन जो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक सर कितने राजस्व की वसूली हो चुकी है? डेली हर अधिकारी सब लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा, और लगभग में जैसे मेरा ही ले लीजिए 2,500 इस तरह का डेली का चलान काटा जा रहा है। कितने दिन तक ये अभियान चलेगा? अभियान चलेगा जब तक ये कंट्रोल ना हो। चलाया जा रहा है थाना के सामने, इसका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य है महामारी है, कोरोना एक महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है, वो उपाय है कि आप मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, वैक्सीनेशन लें। मास्क चेकिंग अभियान संकेत है, सभी को एक जागरूक करने का अभियान है कि आप सभी लोग मास्क पहने। सर पर डे कितने मास्क चेकिंग में चालान काटने का लक्ष्य रखा है? कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, मास्क काटने का एकमात्र उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, आप मास्क पहने। सर कितने अभी तक राजस्व की वसूली हो चुकी है सरकार के खाते में? इसमें अभी लगभग 20,000 रुपये हम लोग काट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं राजस्व की बात नहीं है इसमें। पहले ही कहा कि एकमात्र जागरूकता कार्यक्रम लोग जागरूक हों, इसलिए पनिशमेंट करना पड़ता है। बार बार समझाने के बावजूद भी जो लोग मास्क नहीं पहनते, वहीं सब बाजार में देखा जा रहा है कि सब्जी विक्रेता हम लोग लगातार बाजार में भी अब जा रहे हैं और कर रहे हैं। मैं स्वयं भी अपनी टीम के साथ बाजार में कई राउंड घूम चुका हूं, फिर हम लोग जा रहे हैं, अगर ऐसा पाया जाता है तो हम लोग दुकान भी सील करेंगे। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।